हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको कोई रेसिपी बनाना नहीं सिखा रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आज आटा कैसे गूंदा है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है फ्रेंड्स, मेरा स्पाइन की सर्जरी के बाद से आटा गूंदने में भी मुझे तकलीफ़ होती है, तो जिसके वजह से मेरी लड़की आटा हमेशा लगा कर देती थी। बट फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूल स्टार्ट हो गई है, तो मेरी लड़की अभी स्कूल जाने लगी है, तो अभी आटा गूंद के नहीं, आज आटा गूंदने वाला कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताती हूँ आपको आज मैंने आटा कैसे गूंदा है। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी आटा। एक कटोरी आटे में, आटे के हिसाब से मैंने इसमें डाला है नमक, और नमक के साथ मैंने इसमें डाला है एक चम्मच तेल। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक गिलास पानी। मैं इसमें डालूँगी पहले आधा गिलास पानी। तो मैंने लिया है फ्रेंड्स बीटर, मेरे पास बीटर था, और ये ऑर्पेट का बीटर है। और ये देखिए, इसके साथ में ये ब्लेड्स आते हैं, ये ब्लेड से मैंने आज आटा गूंदा है इस तरीके से। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे फ्रेंड्स। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे फ्रेंड्स, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसकी स्पीड थोड़ी सी हाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसमें और पानी की जरूरत है या नहीं। बीच में हम थोड़ा सा हाथ से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स, क्या जो आपके स्पाइन पे जो लोड आता है आटा गूंदते वक्त, वो लोड नहीं आएगा, और बहुत अच्छी तरीके से इससे आटा गूंथा भी जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को जिनको भी स्पाइन की तकलीफ़ है, या स्पाइन में दर्द है, या जिन लोगों को डॉक्टर ने जैसे कि ओवरलोड काम करने के लिए मना किया है, जैसे आटा गूंदते वक्त हमारे स्पाइन पे जो जोर पड़ता है वो जोर नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आप आटा गूंदिए फ्रेंड्स। और जिनको भी तकलीफ़ है, प्लीज़ मेरा तो वही सजेशन है कि इस तरीके से बीटर ख़रीद लीजिए और इस तरीके से आप आटा गूंदिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से ये आटा गूंथ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, बस आपको ये हाथ से सब इकट्ठा कर लेना है, हाथ से मिला लेना है एक बस थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको हाथ से मिला लेंगे फ्रेंड्स। हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा पानी का छींटा, और इसको इसी तरीके से ढक कर 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा आटा हमने बीटर में गूंद लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बस इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा पहले जो हमने आटा लगा के रखा था वो कितने अच्छी तरीके से भीग गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका, इसकी रोटी बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त आटा लगा है, और ये देखिए इसकी रोटी भी बहुत काफ़ी अच्छी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ज़रा भी किनारे इसके फटी नहीं है, और जिस तरीके से हम हाथ से आटा गूंथते हैं बस वैसे ही आटा पूरा बना है।
ये देखिए फ्रेंड्स एकदम नरम और कितने अच्छे तरीके से हमारा आटा लगा है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके घर बेटर है, तो इसी तरीके से आप भी आटा लगाइए और इसी तरीके से रोटी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।